एक बात बताओ, तुमसे कोई भी काम बोलूं तो तुमसे होता क्यों नहीं है? मारी इस बकवास का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। Fuck you! अब तुम्हें मेरी हर बात बकवास लगती है? शादी से पहले तो मेरी हर बात क्यूट लगती थी, अब क्या हुआ? शादी हो गई, सेक्स हो गया, प्यार खत्म? वही तो गलती की मैंने, तुम्हारी हर बात मानी। आज ये मेरे फ्रस्ट्रेशन का कारण तुम ही हो। तुम्हें ये लाइफस्टाइल चाहिए थी, ये लाविश फ्लैट, ये कार, ये सब एंटीक कचरा जो घर में कबाड़े जैसा तुमने सजाया है। सब मेरी ही वजह से हुआ है, मेरी गलती है ना? क्यों? क्योंकि मैंने हम दोनों की एक अच्छी लाइफस्टाइल प्लान की थी। तुम्हारी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। हाँ तो आप तो बोल रहे हो टीवी टेक कर दो, मुझे नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है, तो पे एक काम ठीक से नहीं हुआ क्योंकि तुमको तो अपनी फ्रस्ट्रेशन की पड़ी है। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। तुम्हारी ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 2 लाख का ईएमआई मंथली भर रहा हूँ, ओवरटाइम कर रहा हूँ। तुम रहने दो यार, मुझे लेट हो गया, ऑफिस जाना है। फक ऑफ, फस गई हूँ मैं तुम्हारे साथ। हाँ बोल। बिजी तो नहीं है तू? अरे नहीं नहीं बोल, राजेश अभी ऑफिस गया है, बता। क्या बोलूँ यार, रोज रोज के चुतियाप्पे से ना मेरी जिंदगी झंड हो गई है, बाय गॉड। क्यों, अब क्या हुआ? कृष ने फिर से कुछ किया क्या? यार यही तो प्रॉब्लम है, साला कुछ करता नहीं है। मतलब नो डिंग डोंग। हंस ले कुत्ती, तू भी मजे ले ले। हाँ अरे गुस्सा क्यों हो रही है यार, बताना क्या हुआ? यार शादी के स्टार्ट में सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे वो चार्म खत्म हो गया। पहले हफ्ते में तो एक दो बार हो भी जाता था, पर अब तो वो भी नहीं है। यू नो ऑफिस से आता थक के सो जाता है, मतलब ऐसा हो गया कि लाइफ में कुछ फन ही नहीं बचा सच में। तो थोड़ा सिड्यूस कर लिया कर यार, थोड़ा ट्राई कर। मतलब शादी से पहले तो तुम लोग जहाँ जगह नहीं मिलता था शुरू हो जाते थे, वही चाम वापस लेके आ जाना। तुझको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? हाँ कुछ नहीं हुआ, ऊपर से मुंह उधर करके सो जाता है। हाँ तू ही बता, चढ़ जाऊँ क्या मैं उसके ऊपर? आदमी बड़े बेवकूफ होता है यार। सही बोल रही है यार तू, उसको लगता है मैं रोज रोज उससे ऐसे ही झगड़ा कर रही हूँ, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझ ही नहीं पाता। तेरी ये प्रॉब्लम का ना एक सलूशन है मेरे पास। डिवोर्स दे दूँ? अरे चल पागल, देख तुझे मैं हैप्पी मैरिज का ना एक सीक्रेट बताती हूँ, एक छोटा सा अफेयर कर ले। अफेयर? पागल हो गई है तू? हाँ देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एक साल से मैं भी एक छोटा सा अफेयर चला रही हूँ, तुझे कभी शक हुआ क्या? क्या बात कर रही है? पर यार मैं जाऊँ कहाँ, ना मेरे पास जॉब है ना बिजनेस है, कहाँ मिलेगा मुझे लड़का? तू इतना क्यों सोचती है यार, एक स्पेशल डेटिंग सर्विस है, वो इतने प्रोफेशनल है और इतने वेल बिहेव्ड है कि हम जहाँ बुलाते हैं वो वहीं आ जाते हैं। पर मैं उसको बोलूँगी क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये सब ठीक है ना? सब ठीक है, तू इतना मत सोच, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, वो दोपहर को तेरे घर आ जाएगा बस। अच्छा सुन, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तू इतना क्यों डर रही है? कॉलेज में इतनी बड़ी रॉकस्टार थी, अब क्या हुआ? किसी को कुछ शक नहीं होगा यार। Yes. Hello ma'am, I'm Raj. I'm here for the service. Oh, yes. Come.
इट वॉज ऑसम, पर अभी तुम्हें निकलना होगा क्योंकि मेरे पति कभी भी घर वापस आ सकते हैं। जल्दी मैं कॉल करूंगी तुम्हें, ठीक है? हाय ब्यूटीफुल, आई एम राहुल। मुझे आपकी फ्रेंड रागिनी ने भेजा है सर्विस के लिए। मैं किसी रागिनी को नहीं जानती। हाँ बोल। अच्छा सुन, कितने लड़कों को तूने भेजा है? क्या क्या बात कर रही है? पहले राज आया था, वो चला गया, अभी कोई राहुल आया है। तू पागल हो गई है क्या? क्या बात कर रही है, मैंने किसी राज को नहीं भेजा, मैंने तो राहुल को भेजा था, वो आया क्या? अच्छा सुन, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ अरे सुन तो सही, हेलो, अजीब है। दिस इज फॉर माय डार्लिंग। I'm sorry for morning. बहुत स्ट्रेस में था, but I shouldn't have behaved like that with you. Sorry. कोई बात नहीं, पहले तुम अंदर आओ। अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारा टीवी ऑन हो गया। टीवी? हाँ, दोपहर को टीवी सर्विस के लिए एक आदमी भेजा था मैंने। क्या नाम था उसका? हाँ राज, आया नहीं क्या? भूल गया होगा। हेलो राज। अरे यार तुम्हें आज बोला था मेरे घर पे टीवी सर्विस कर देने के लिए, अर्जेंट है। ठीक है कोई बात नहीं, कल याद से आ जाना। ओके ओके ठीक है, बाय।